80 रुपए किलो से कोई कम नहीं दे रहा, गरीब आदमी क्या खाएगा? प्याज भी 60-70 रुपए से कम नहीं है, क्या खाएगा गरीब आदमी बताओ? किसान का जब आएगा ना तब तो मंदा 2 रुपए किलो प्याज हो जाएगा, अभी व्यापारी का प्याज आ रहा तो 60 रुपए किलो 50 रुपए किलो, नवंबर में आ जाएगा किसान का तब 2 रुपए किलो 10 रुपए किलो बिकेगा। भाई सरकार बहुत सहायता करी, कोई सहायता नहीं करती सरकार, वो सिर्फ अपना घर में बैठ के आराम से राजनीति चला रही है और अपना मखवाली गद्दों में सो रही है, बढ़िया बढ़िया खा रही है, सरकार चाहे मरे चाहे जिए उसमें कोई नहीं। महंगाई के बारे में कह रहा हूँ, महंगाई आसमान छू रही है, सरकार जिम्मेदार है। सरकार तो कहती है महंगाई बढ़ा ही नहीं, सरकार जिम्मेदार है, आम नहीं है जिम्मेदार, सरकार जिम्मेदार है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है जिसका असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसका असर लोगों के किचन पर भी पड़ रहा है। तो आज हम नोएडा के सब्जी मंडी में उपस्थित हैं, यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि आखिर उनकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है, लेकिन उसके पहले आइए जानते हैं कि यहाँ के सब्जियों की रेट क्या है। तो सब्जी विक्रेताओं से बात करते हैं और उनके रेट जानने की कोशिश करते हैं। जी दादा आपका नाम? सत्यनारायण। टमाटर आप बेच रहे हैं, टमाटर का क्या रेट चल रहा है इस समय? टमाटर 60 रुपए किलो बिक रहा है, देसी वाला 70 रुपए किलो बिक रहा है। पहले क्या रेट था इसका? पहले 30 रुपए किलो था, पहले 30। पहले से ज्यादा महंगाई हो गई है? जी हाँ जी, पहले से महंगाई अब ज्यादा हो गई। प्याज महंगा हुआ है थोड़ी सी, प्याज पहले 40-30 बिक रही थी, अब 50 बिक रही है। आलू है वो इतना महंगा, बहुत ज्यादा महंगाई है, टमाटर 70-80 रुपए किलो से कोई कम नहीं दे रहा, गरीब आदमी क्या खाएगा? प्याज भी 60-70 रुपए से कम नहीं है, क्या खाएगा गरीब आदमी बताओ? तेल 200 रुपए किलो नहीं हो रहा। किचन महिलाएं ही संभालती हैं, तो आप किचन संभालती हैं तो क्या असर पड़ रहा है, किस तरीके से जेब ढीली करनी पड़ रही है? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ही असर पड़ रहा है, इतना असर पड़ रहा है कि बता नहीं सकते। लेकिन सरकार तो कहती है कि महंगाई है ही नहीं है। बहुत महंगाई, सरकार तो बस घूस खाती है चारों तरफ से, सरकार अपना अपनी गद्दी के लिए कुछ भी करती है, उसको सिर्फ अपनी गद्दी से मतलब है, गरीब आदमी से मतलब नहीं है उसको। महंगाई को कम किया है सरकार ने, कहती है कुछ कम नहीं किया है, सब झूठ है, धांधलेबाजी है, कोई महंगाई कम नहीं है। जी आप क्या बोल रहे थे? 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल हो गया, डीजल भी 100 रुपए हो गया, महंगाई तो बढ़ेगी। सब्जी तो हाई फाई रेट जा रही है, सब्जी पीछे से इतनी महंगी आ रही है, किसान है किसान कुछ, जब किसान का जब आएगा ना तब तो मंदा 2 रुपए किलो प्याज हो जाएगा, अभी व्यापारी का प्याज आ रहा तो 60 रुपए किलो 50 रुपए किलो, नवंबर में आ जाएगा किसान का तब 2 रुपए किलो 10 रुपए किलो बिकेगा। मतलब किसान का रेट कम रहता है, व्यापारियों का रेट ज़्यादा होता है। इस टाइम व्यापारी का ही स्टॉक कर लेते हैं व्यापारी, ये इस टाइम व्यापारी का प्याज आ रहा है, किसान का है ही नहीं ज़मीन पर इस टाइम, और जब नवंबर में आएगा तो प्याज 10-15 रुपए किलो ही हो जाएगा। क्या लगता है ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, आपको क्या लगता है? अब ये तो नहीं बता सकते हैं, महंगाई तो पीछे से ही है, माल की शॉर्टेज है इसलिए महंगाई है थोड़ी। अच्छा जिस तरह जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है तो क्या उसका असर इन सब्जियों पर? उसका असर बहुत बड़ा पड़ा है, जब पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो गाड़ियाँ महंगी आएंगी, पीछे से जब लोड होकर आएगा तो महंगाई बढ़ेगी, तो किसान फिर अपना वो व्यापारी महंगा करके बेचेंगे, आड़ती लोग खर्चा ज़्यादा लेने लगे हैं, 7% ले 10% कर दिया उन्होंने। गरीब आदमी की मेहनत की कमाई सारी खा जाए ऊंच ऊंच के, नाम करते हैं हाँ भाई सरकार बहुत सहायता करी, कोई सहायता नहीं करती सरकार, वो सिर्फ अपना घर में बैठ के आराम से राजनीति चला रही है और अपना मखवाली गद्दों में सो रही है, बढ़िया बढ़िया खा रही है, सरकार चाहे मरे चाहे जिए उसमें कोई। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सब झूठ है, एकदम झूठ है, बिल्कुल बिल्कुल ही झूठ है, सरकार तो इतनी गिरी हुई है ना अब तो हर लिमिट से ज्यादा। महंगाई के बारे में कह रहा हूँ मैं, महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, डीजल कितना महंगा हो गया है, सब चीज़ महंगाई तो है। जी खरीदने आई थी तो क्या रेट पहले की अपेक्षा इस समय क्या महंगाई बढ़ी है सब्जियों? पहले रेट था कि 10 रुपये किलो यही पालक था, अब 60 रुपये किलो हो गया, जो आलू था 5-10 रुपये का 2 किलो अब हो गया 20 रुपये किलो हो गया। किचन महिलाएं ही संभालती हैं तो क्या इस समय किचन संभालने में मज़ा आ रहा है? नहीं मज़ा नहीं आ रहा है किचन संभालने में। क्यों? क्यों इतना महंगाई है कि क्या किचन संभालने में मज़ा नहीं आ रहा है, किचन का सामान घटता ही घट नहीं रहता है, पूरा पूर्ति हो ही नहीं पा रहा है महंगाई से। क्या जिम्मेदार किसको मानती हैं आप? किसको? सरकार जिम्मेदार है कि आम इंसान जिम्मेदार खुद है इसका? सरकार जिम्मेदार है। सरकार तो कहती है महंगाई बढ़ा ही नहीं, सरकार जिम्मेदार है, आम नहीं है जिम्मेदार, सरकार जिम्मेदार है। यहाँ सब्जी खरीदने आई हैं? हाँ। तो अब मार्केट घूमी है तो क्या लगता है महंगाई पहले की अपेक्षा कम हो गई है ना? नहीं ज़्यादा हो रही है।
सरकार तो कहती कम है। नहीं तो सरकार कौन कह रही है, ज्यादा हो रही है महंगाई, क्या खा ले बताओ। सर किचन पर किस प्रकार पड़ रहा है ये बताओ, गरीब क्या खा लेगा ये बताओ आप। सब्जी नहीं खाएगा तो क्या खाएगा, दाल का पानी खाते हैं, ये सब्जी को देख देख के इतनी महंगाई को, मतलब सब्जी ज्यादा महंगी होगी। हाँ ज्यादा महंगी होगी। इसका जिम्मेदार किसको मानती है आप? सरकार को ही मानते हैं, सरकार नहीं करती। तो बहुत ही कम बोलती है कि हम सबका साथ सबका सबका विकास सबका विश्वास दिखा रहे हैं। नहीं कोई नहीं है, सरकारी बोलने के लिए है सरकारी, और क्या ऐसे ही बोलते हैं। हम महंगाई 60 रुपए किलो बताओ, प्याज 20 रुपए किलो होनी चाहिए प्याज तो। आलू पे 4 दिन से डेली 100 रुपए कट्टे बढ़ता जा रहा है। 100 रुपए में पहले क्या रेट था आलू का? पहले 500 रुपए कट्टा था, अब 850 रुपए कट्टा है। 10 रुपए किलो था पहले, पहले 10 रुपए किलो आता था, अब 16 रुपए किलो खरीद है, उसमें भी हमें 50 किलो कह के 45 किलो ही निकलता है। प्याज क्या रेट क्या चल रहा है? प्याज का रेट इस समय 60 रुपए किलो है, पहले था 30 रुपए किलो, उसमें भी एक डबल दुगना दाम बढ़ गया। जी दुगना दाम बढ़ गया है, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर में। नवरात्रों से पहले 30 रुपए थी, नवरात्रे जाते जाते 60 रुपए हो गया। कुछ दिन में त्यौहार है, तो क्या त्यौहार में सब्जी लोग नहीं खा पाएंगे क्या, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है? ऐसे थोड़े ही खा पाएंगे इतने महंगे में। गोभी भी 80 रुपए किलो हो रही है और आलू भी 20 रुपए किलो हो रहे हैं।